एरिया जुदा होने वाला था। अगर आप दूसरा शराबी दो बार मेरे साथ निकाले और उसकी ग्यारह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा शराबी दो बार क्या है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आरसी रथ और आरसी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया को भोले में आसमान पर चला गया। लीशा ये देखकर चिल्लाया, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा, उसने उसे फिर ना देखा। यही अल्फाज युवास बादशाह के हैं जब अलीशा मरने को है और यही अल्फाज लीशा के हैं जब एलिया उसे जुदा होने वाला है। तो मैंने कहा खुदा का कलाम उन लोगों को छूता है, उन लोगों को छुपा देता है, उनकी बीमारियां चाहे कोई भी क्यों ना हो या वो तवज्जो से खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। तो दूसरा बात अगर आप पढ़ें तो एलिया और लीशा की जुदाई की बात करता है। और अगर आप मेरे साथ इस आयत को पढ़ें नामिया को दो बार ना और नामिया दूसरा शराबी दो बार नौ आयत और जब वो पार हो गए तो एलिया ने लीशा से कहा इससे भेज करके मैं तुमसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। लीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया है, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। तो लिहाजा उसने क्या सवाल किया, एलिया ने कहा कि मैं इस पेस्ट तुझे ले लिया जाऊं, तुझसे जुदा हो जाऊं, आसमान पर खा लिया जाऊं, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, सबसे अच्छे मैं मुरक्कबर साहब के कलाम सुना रहा सब होशियार होकर उसने क्या सवाल मांगा कि तेरी रूह का दूना हिस्सा डबल पोर्शन। अक्सर लोग दुआ करते हैं कि खुदावन अपने रूह का दूना हिस्सा मुझे दे। मैंने कई लोगों को दुआ करते हुए यह सुना है कहे खुदा तो अपनी रूह का दूना हिस्सा दे। भाई खुदा की रूह का दूना हिस्सा कहां ठहरा आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लोग बजाय सीखने के जब उनको कहा जाता है तो कहते तो एलिशा ने भी तो दूना हिस्सा मांगा था। अरे भाई लीशा ने तो एलिया की रूह का मांगा है और तू भले लोग का तू क्या मांग रहा खुदा की रूह का दूना, तो क्या खुदा की रूह का दूना ऐसा तू बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त कर सकता है। तो हम इस दुआ को अगर कोई ऐसी दुआ करता तो बताएं कि अपनी दुआ को दुरुस्त करें। तो अब उसने ये दुआ की, इन बच्चों को जरा पकड़ लें प्लीज, खुदावन खुदा हमें ये सताना चाहता है। अब हम देखते हैं कि आदत की तब्दीली हो रही है और यहां पर हम देखते हैं कि आदत एक से दूसरे को मुंतकिल हो रही है और मुंतकिल करने वाला भी खुश है और जिसमें मुंतकिल किया जा रहा है वो भी खुश है और वो कह रहा है तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझे दे। खुदा ने कहा कि तेरी जगह पर तू लीशा को मसा कर वो तेरी जगह नबी हो। उसने खुशी से कबूल किया। आज के लोग
के अंगे पर जब उससे कहा गया तो उसने खुशी से कहा कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझे मिले। और यही गांव परिसरा में फर्स्ट पॉट बेबी को जो लड़का होता था उसको जायदाद का डबल हिस्सा दिया जाता था। और उसने भी यही दरखास्त की, उसने भी यही दरखास्त की कि तेरी उसने जायदाद का जमीन का या पैसे का या दौलत का तो डबल हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन उसने वो चीज मांगी। हालेलुया, काश के आज के लोग कितनी पॉपुलर, कितनी आवाज, कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो आज यही मांगे दौलत, जायदाद, जमीन, घर बार ना मांगे, बल्कि कहे भैया कहूं अरे खुदा, अरे आसमान के खुदा, अरे खुदावंत खुदा, मैं ये चाहती हूं और चाहता हूं कि मुझे रूह में अठा खड़ा कर, मुझे रूह में सरफराज कर, मुझे वो जायदाद दे तो ना खत्म होने वाली है। काश के तू जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी की नदियां जारी कर देता। दुनिया के चश्मे तो सूख जाते हैं लेकिन वो चश्मा कभी नहीं सूखता। काश के आज जितने मेरी आवाज को सुन रही है वो अपने मांगने का ट्रेंड बदल दे, हम आगे दुआ करें, कहे खुदावंत खुदा तू पांच रूह के मसा को मेरे अंदर बढ़ा। इसलिए खुदा ने अपने रूह को नाजिल किया। इमाल पहला बार आठवीं आयत को पढ़ लें और इमाल दो बार में खुदा वो बैठे हुए हैं तो बीच की जमात उनमें पाक रूह नाजिल हुआ और लिखा है जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरे के आग बनोगे गवाह बनोगे। गवाह के जो ग्रीक में लफ्ज है वो मार्टर है, मार्टर का मतलब शहीद होना। तो गवाह वो है जो यीशु की गवाही दे और गवाही देने से यीशु की गवाही को अपने खून से रकम करे, गवाही देते हुए वो शहीद हो जाए। ये है गवाह। सिर्फ ऐसे राम के इलाकों में जाके गवाही दे देना बड़ी बात नहीं है, गवाही वो है कि मुश्किल इलाकों में जाकर हम गवाही को उसके नाम के लिए हम शहीद हो जाए। जैसे जीसस के लोग मसीहों को जो है कुर्बान कर रहे, सभा कर रहे, नौजवान बेटे बेटियों को कि मसीह का इंतजार करते हैं, लेकिन मुबारक है ये मसीह वो ईमानदार तो यीशु का इंतजार करने की बजाय क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज लिखा था, सब लोग बड़े परेशान थे तो मैंने लोगों की सोच को बदल दिया। मैंने कहा कि लेट अस थैंक टू जीसस, जीसस के लोगों के लिए हम शुक्र करें। लोग मैं जो टिरोल पड़ा तो वो हैरान हो गए, मतलब ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा इसलिए शुक्र करें ताकि वो तो कलाम का हिस्सा पूरा कर रहे हैं। अगर आप कलाम का कभी ये बड़ा हिस्सा नहीं है तो काशवा छह बाब उसकी नामी आपको आप पढ़कर देखें तो लिखा है कि जो कुर्बान गाह के नीचे रुमे थी उन्होंने चिल्ला कर कहा कि तुम्हारा कब तक इंसाफ नहीं करेगा, तो आवाज आई के ठहरे रहो तुम्हारे और भाई शहीद होने वाले हैं। अभी शुमार पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इस जो है वो कुर्बान शहीदों का शुमार पूरा कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि खुदा का और शुमार क्या शहीदों का खुदा के नजदीक है। तो इसका मतलब है कभी तक खुदा इसलिए नहीं आया, कभी तक कलाम दुनिया के कोने तक नहीं पहुंचा, कोने कोने तक नहीं पहुंचा। अभी तक यीशु इसलिए नहीं आया क्योंकि शहीदों का शुमार पूरा नहीं हुआ। तो देर को इसलिए हमें जीसस का शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो कलाम का हिस्सा पूरा कर रहे हैं, मसीहों को शहीद कर रहे हैं। Am I right or not? रात भी हो गई इस बात जाके क्या भाई क्या ये कलाम कर रहा है।
ये मैंने आपकी सोच को बदला है, और कुछ कहा जा सकता ये मेरा मजमून नहीं है। तो लिहाजा आज मैंने बताया कि आज की क्यादत और एलिया और एलिशा की क्यादत में जमीन आसमान का फर्क है। और क्या जो उसने मांगा तो क्या उसको एलिया की रूह का धुना हिस्सा मिला, डेडी गार्ड डबल पोर्शन? आवाज नहीं आ रही, मिला या नहीं मिला? कैसे पता चलता है? हाउ कैन यू सेटिस्फाई इफ समवन विल आस्क यू प्लीज एक्सप्लेन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ही गॉट द डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एलाइजा? लिसन केयरफुली, एलिया ने 14 मोजज़े किए, 14 मिरेकल्स, एलाइजा डिड 14 मिरेकल्स, बट एलिशा डिड 28 मिरेकल्स, उसने 28 मोजज़े किए। नंबर दो, किसी नबी के टकराने से कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन एलिशा के उन हड्डियों से जब मुर्दा डाला गया, उसकी हड्डियों से टकराया, तो फौरन मुर्दा क्या हुआ? जीवता। ये दो बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि जो कुछ एलिशा ने मांगा कि तेरी रूह का धुना हो, तो वो कलाम के साबित करता है कि वो छोटा था या खुदा के जाल के लिए, कि वो कलाम क्या हुआ? पूरा हुआ, पूरा हिस्सा बना। इसलिए कलाम का ये अनमोल हिस्सा है कि जो मांगता है वो पाता है। ये बाइबल का अनमोल पैगाम है, जो मांगता है वो पाता है। तो आज हम भी कुछ मांगे ताकि हमें भी आज कुछ क्या हो, मिल जाए। और जब हम ये देखते हैं कि लीचा शायद इसीलिए जिंदा है कि वो चाहे युवाओं की जरूरत को पूरा कर सके। पहले मैं ये बताना चाहता हूं, इस मजमून को मैं किसी और वक्त क्लियर करूंगा। डबल पोर्शन हासिल करने के लिए उसे बड़े जतन करने पड़े। किसको? एलिशा। सफर का आगाज कहां से हुआ? सफर का आगाज गिलगाल से हुआ, और गिलगाल से दूसरा स्टेप यह है वो बैतेल है। बैतेल से तीसरा स्टेप है वो यरीहो है। यरीहो से तीसरा स्टेप जो है वो यरदन है। तो अब हम ये देखते हैं, सबको पता था कि आज एलिशा से उसके आका का वो ले लिया जाएगा। जब वो बैतेल में गए तो मियां दादो ने कहा कि क्या तुझे मालूम है कि तेरा आका तेरे सब से खा लिया जाने वाला है? उसने कहा हाँ मुझे पता, तुम खामोश रहो। यानी उसने टिकट की एलिया पे लगा रखी है। वो ना राइट देखता ना लेफ्ट देखता है, ना फ्रंट ना बैक। उसकी मिजाज कहां पर है? एक लम्हे के लिए भी वो अपनी आंख उससे नहीं हटा रहा। जहां भी जाता है यही सवाल उससे कब किया जाने करते, क्या तुझे मालूम है? जब वो बैक में गया तो यही सवाल किया गया, जब वो यरीहो में गया तो वहां के अंबिया जादू को क्या क्या तुझे मालूम है कि तेरा आका तुझे ठा देने वाला है? आप ये बात आप खामोश हो जाए, आप उसे बात ना करें। उसकी निगाह जो है लगातार जो है एलिया पर लगी हुई है। फिर वो यर्दन के पार जब हो गए, यर्दन के पार पहुंचे तो आप दरिया है, और उसने अपनी चादर को लिया और उस पर मारा तो यर्दन दो हिस्से हो गया और वो खुश्की में पार से क्या हो गए, निकल गए। उन्होंने सेपरेशन का आगाज कहां से किया? बोलिए जल्दी से, अगर आप लोगों ने सुना है। स्टार्ट कहां से लिया? पहला स्टेप क्या है? कहां से जर्नी शुरू हुई? सफर कहां से शुरू हुआ? जलजाल से। जलजाल का असली मतलब क्या है? चक्कर। और एक किस्म का जो फेर होता है भी गहराव। खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप भी अपने अपने चक्कर को मर के एरिया जो क्या करिए, भवन। जैसे कि पानी है, आपने देखा होगा समुद्र में भवन की तरह वो
जैसे कोल्हू का महल है उसके चारों तरफ घूमता रहता है, तो आज हमारी कलीसियाएं जंजाल की मानन एक ही कोल्हू के महल की तरह है, वही घूमती रहती है, वही घूमते रहते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना आगे दूसरों को बढ़ने देते हैं, और उसी जगह पे उसी रूटीन में डटे हुए हैं। और खुदावंद खुदा आज तब्दीली लाना चाहता है, आज खुदावंद खुदा एलिया जैसे नबी चाहता है, आज खुदा लीशा जैसे नबी हमारी कलीसियों में चाहता है, ताकि हमारी कलीसियों के अंदर तब्दीली आए, जो हमारी कलीसियां रूहानी तौर पर मुंतमद हो चुकी है, फैल चुकी है और एक खबर का शिकार हो चुकी है और अपने ही तौर तरीकों में खोए हुए हैं, अपने रस्म और रिवाज में खोए हुए हैं। खुदा चाहता है कि आज अगर उसे भर जाए और इन मां इन तमाम के बातों को और इन सारी के रस्मों को हम तब्दील कर दे, हमारी कलीसियाओं के अंदर एक जबरदस्त बेदारी करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, शाबाश, इसको बुला सकते हैं। भाई बहनों, खुदा बेदारी का खुदा है, तब्दीली का खुदा है, जो तब्दीली लाना चाहता है। और अब हम आते हैं एलीशा की खिदमत के हवाले से, जो कलाम आपने पढ़ा है, लिखा है कि चाहे इसराइल एलीशा के पास आए। एलीशा एक बीमारी में शरीक हुआ, एक बीमारी उसके ऊपर प्रभाव लगा जिससे वो मर गया। ये लोग महान उस वक्त के लोग कहते हैं कि देखो ये कितना करने वाला नबी था, बड़े बड़े मौजे करता था, अब अपने पे आई तो अपने आप को छुपाई थी, बहुत से लोगों को ठोकर भी लगी होगी। तो उदार जो है खुदा ने छुपा नहीं दी, ऐसा में नहीं करती बारह बार पालूस कहता मैंने तीन बार दुआ कि जब कांटा मुझसे हटा ले तो खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी हो, दर्द तकलीफ नहीं हुई, खुदा ने दूर नहीं की। उसी तरह से वो बीमारी दूर नहीं की, खुदा का बीमारी दूर नहीं करूंगा, तेरा फजल मेरा अपना फजल बढ़ा दूंगा ताकि बर्दाश्त कर सके। तो ये खुदा के अपने काम है। उस वक्त के लोगों को ठोकर लगी होगी कि ये इतना बड़ा नबी है, इसने इसके तौर पर उसके अब हड्डियों से लोग जिंदा हुए, इसने जो कहा वो पूरा हो गया और अब फिर बीमार हुआ था अपने आप को छुपा नहीं थी। तो इससे साबित क्या होता है, कोई नबी किसी को छुपा नहीं दे सकता, कोई खादम किसी को छुपा नहीं दे सकता। खादम और प्रॉफिट और पास्टर क्या है, मीडियम है, वी आर मीडियम। और शफा देने वाला कौन है, खुदा है, खुदा की रूह है, वो शफा देता है। अगर आप ये सोच के आए कि बदल जाए शफा देगा तो फिर आपको शफा नहीं मिलेगी, आप ये सोच के आए कि यस्सु आज मुझे शफा दे, मैं यस्सु के पास आई, ब्रदर जबे